दोस्तों नमस्कार। भारतीय ध्वज के साथ क्या करना नहीं चाहिए ये आज हम जानने वाले हैं। पहली बात, अलग अलग चीजों की जानकारी आती ही रहती है, पर आज ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि भारत अपना 75वां बर्थडे, स्वतंत्रता दिन का 75वां साल आज है, पर हर घर झंडा का जब आवाज दिया जाता है तो ध्वज का नियम क्या है ये भी मालूम होना जरूरी है। तो चलिए हम ये आज के वीडियो के जरिए जानेंगे। तो पहली बात, हमारे ध्वज तिरंगा है उसमें से हरा हमेशा नीचा होना चाहिए। जो कलर है हरा वो हमेशा नीचे होना चाहिए, नारंगी हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये अपना ध्वज वैसा ही कलर कोड है, वो कोड ऐसा ही है, ऊपर नीचे मत करो, वो अलग सा होगा। नंबर दो, आज इस साल तक जो रूल था, फ्लैग रूल था, उसमें सूर्योदय के बाद अब ध्वज लहरा सकते थे और सूर्यास्त के पहले आप उसको नीचे उतारा जाना चाहिए था। अभी वो उसकी एक खास सवलत देगी है, यू आर अलाउड, आज रात को भी आप झंडा आपके घर में या ऑफिस में फहरा सकते हैं। अब झंडा जब हाथ में लेते हैं तो हमेशा दाहिने हाथ में होना चाहिए, और अगर बायां हाथ उसको लगाना है तो दाहिने हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे होना चाहिए। अगर आपको हाथ दुखने लगा तो आप दाहिने कंधे पे और रख सकते हैं। और ऐसा झंडा लेके जो चलने वाला आदमी है, अगर समूह चल रहा है तो ऐसा झंडा लेके चलने वाला आदमी हमेशा आगे होना चाहिए। वो झंडा जमीन को छूना नहीं चाहिए, वो जमीन को छूना अलग सी बात है, वो गलत है, वो उसका अपमान है। भारतीय ध्वज के बराबर या ऊपर कोई और झंडा होना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी पक्ष के हो, किसी भी कुछ भी हो, धर्म का हो, किसी भी, कोई भी झंडा अपने भारत के झंडे से ऊपर नहीं फैलाया जाएगा, इतना याद रखें। अगर कोई फॉरिनर आता है, कोई इतर देश का नेता आता है, अध्यक्ष आता है, तब भी वो दोनों झंडे एक साथ एक समान होते हैं। पर ये हमको ये चीज मालूम होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इधर तो कोई नहीं आता है। तो हमारे लिए इतना ही याद रखें कि कोई भी झंडा आपके ऊपर नहीं रहे, झंडा आधा नहीं फहराया जाएगा। आधा झंडा अगर फहराते तो राष्ट्रीय शोक के बराबर होता है, और राष्ट्रीय शोक जो जब जाहिर होता है तभी वो आधा फहराया जाता है, नहीं तो पूरा फहराया जाता है। ये इतना आपके दिमाग में रहे, अगर आधा हो तो उसको बोलना है भाई ऊपर कर, ये आधा नहीं चलेगा। झंडा फटा हुआ नहीं चाहिए, अगर फटा हुआ झंडा आप लगाते हो, इस्तेमाल करते हो तो गलत है, ये उसका अपमान है। झंडा अशुद्ध होना नहीं चाहिए, खराब है, कुछ इस्त्री नहीं किया, ऐसे ही किसी ने बोल दिया ऐसे लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान कीजिए। किसी भी सामान, घर या वाहन को ढकने के लिए वो झंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कोई किसी ने किया तो उसका अपमान है। बिना अनुमति के कोई भी आपके कार के सामने, जो कार का बोनेट रहता हो उसके ऊपर झंडा लगा नहीं सकता, वो विशेष लोगों के लिए, और काउंसिलेट कर से लेके जिन जिन को जिसको इसकी अनुमति, जैसे लाल बत्ती का वाहन, और लाल बत्ती किसको है, जिसको है उन्होंने ही लगाना चाहिए, दूसरों को नहीं हो अनुमति। फिर झंडे का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए आप सोचेंगे भी नहीं, आप सोचना भी मत, क्योंकि वो उसका व्यावसायिक उपयोग आप नहीं कर सकते। आप कितना भी प्यार करें, आप झंडे के ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते, मैं अपना नाम भी नहीं लिख सकते झंडे के ऊपर, कोई लिखा वर्ड नहीं होनी चाहिए। अब ये जो झंडा है, वो झंडा जो हरा है वो ग्रीनरी का प्रतिनिधित्व करता है, हरियाली का प्रतिनिधित्व करता है। ऑरेंज जो है वो अपने शक्ति के लिए हुई, और मार्टर यानी बलिदान, जिनके बलिदान है वो बलिदान को प्रतिनिधित्व करता है, और सफेद है वो शांति के लिए। बीच में जो नीला अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र के 24 पहिए, तो पहिए क्या बताते हैं कि 24 घंटा हम काम करें और देश को आगे लेके जाए। आज हमारा स्वतंत्र दिन का 75वां
बर्थडे और ये हम त्योहार मनाने जाते समय एक चीज आप जरूर कीजिए, अगर रास्ते पे कोई ऐसा झंडा पड़ा हुआ मिला तो जरूर उठाइए, झंडे का अपमान न होने दिए। इतना ही, और अगले ऐसे ही कोई वीडियो अच्छा चीज लेके आपके सामने आऊंगा, अगर महत्वपूर्ण जो चीज है आपके सामने रखूंगा। अगले वीडियो तक यही रुकेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।